रोमानिया और बुल्गेरिया के वीज़ा आसान होते हैं रिलेटिवली, ये बात एक्सेप्टेबल है और ये बात प्रैक्टिकली सच भी है। बट रोमानिया और बुल्गेरिया शेंगेन का हिस्सा नहीं बन पाए, जो रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो डिसीजन दिया है। हमने नवंबर में इसके ऊपर डिस्कशन करी थी तो आपको बताया था क्रोएशिया अप्रूव्ड हो चुका है और इसकी जो फॉर्मल डिक्लेरेशन है वो 8 दिसंबर को वो भी हो गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर रोमानिया बुल्गेरिया हो जाते तो बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि इनके वीज़ा रिलेटिवली आसान होते हैं, ये वीज़ा देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते और ज़्यादा सख्ती नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट क्रोएशिया का वीज़ा काफ़ी सख्त होता था, मतलब अभी भी अगर आप इंडिविजुअल क्रोएशिया का वीज़ा लगाते हैं जो नॉन शेंगेन है, अभी भी नॉन शेंगेन वीज़ा ही मिल रहा है क्रोएशिया का, शेंगेन वाला 1 जनवरी से शुरू होगा, तो वो जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आज के डेट में भी स्ट्रिक्ट है। शायद यही रीज़न था कि बाकी शेंगेन स्टेट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई आप सख्त हो ना बॉर्डर को लेके, टूरिज्म को लेके, वीज़ा को लेके, तो आप आ जाओ। और बुल्गेरिया रोमानिया थोड़े से रिलेटिवली सॉफ्ट हैं वीज़ा को लेके, तो शायद उनको एंट्री अभी वो लोग नहीं दे रहे हैं, जिसका मतलब आपने देखा होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ने तो खुलेआम आके बोला है कि नहीं मैं इस वक्त हैप्पी नहीं हूँ। नीदरलैंड्स ने भी स्टेटमेंट दिया, तो ये हालांकि बाकी सभी स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, एक दो स्टेट्स ने अपना ऑब्जेक्शन दिखाया, तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले कुछ ही दिनों में रोमानिया बुल्गेरिया एंटर हो जाएं? क्योंकि अगर ये एंटर हो जाते हैं फिर तो शेंगेन वीज़ा काफ़ी आसान हो जाएगा, कि रोमानिया और बुल्गेरिया तो आसानी से वीज़ा दे देते हैं, तो ऐसे क्या पॉसिबिलिटीज़ है और इसके क्या इंडिकेशंस है कि ये बड़ी जल्दी शेंगेन का हिस्सा बन जाएंगे? अभी देखिए, क्योंकि रिसेंटली जो ये इसका एक्सपेंशन था ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, एक्चुअल में ये एक्सपेंशन जो था 2017 में हो जाना चाहिए था, बट और 2017 में आप जान के हैरान होंगे कि रोमानिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर था। उस टाइम ये धारणाएं लगाई जा रही थी कि रोमानिया एंटर हो जाएगा और बुल्गेरिया और क्रोएशिया रह जाएंगे, मतलब वो 17 में ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो डिले हुआ कि भाई उनको कुछ और, जैसे होता है ना कि उन्होंने 14 पॉइंट एजेंडा बना के दिया कि आपने 13 पॉइंट तो एड्रेस कर दिए, 14th अभी भी रह गया तो इसको और एड्रेस करिए, वो काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई थी। तो 1-2 साल उसमें गए, फिर कोरोना सिचुएशन में चले गए। इन बिटवीन क्रोएशिया उभर के आ गया, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो दिखाई ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जिससे इम्प्रेस हुआ शेंगेन एरिया वो है उनकी बॉर्डर पेट्रोलिंग की, इलीगल इमिग्रेशन को हैंडल करने की सिचुएशन और बॉर्डर पे जो उनकी अच्छे से सिक्योरिटी तैनात है उसको लेके। शेंगेन कंट्रीज़ को सिर्फ यही चीज़ चाहिए कि उनके बॉर्डर सिक्योर रहें। वो कहते हैं हमारे पास बहुत है, अगर आपके पास पैसे नहीं आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, पैसा हम दे देंगे, अमीर आपको हम बना देंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए कि आप इलीगल इमिग्रेशन का सोर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्रोएशिया जीत गया और रोमानिया बुल्गेरिया थोड़े से स्ट्रगल कर गए। इसका रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा अगर इमिग्रेशन ट्रेड में हैं तो इसका आपने सुना भी होगा किस तरीके से रोमानिया अब बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। रोमानिया ने सबसे पहले टारगेट 2 देशों को करा है कि आप लोगों की वजह से हमारे इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहे हैं, 1 पे टर्की, 2 पे बांग्लादेश। रोमानिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तक निकाल डाली कि इन दोनों कंट्रीज़ की वजह से हमारे पास इलीगल इमिग्रेशन आ रहा है और हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। बुल्गेरिया ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा इलीगल इमिग्रेशन को लेकर टाइट हुआ था, और क्योंकि टर्की से वो बॉर्डर शेयर करता है तो थोड़ा सा वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न भी रहता है, बट सिंस बुल्गेरिया इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, नाइदर इट्स अ पार्ट ऑफ शेंगेन एरिया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन नहीं होता, वो ग्रीस में चला जाता था, और ग्रीस और टर्की की तो ज़बरदस्त क्लैश रहती हैं इमिग्रेशन को लेकर, आप जानती हैं, और यहाँ पे बुल्गेरिया का थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। बट रोमानिया तुरंत हरकत में आ गया, उसने इलीगल इमिग्रेशन को कर्व करना शुरू कर दिया, उसने डायरेक्ट कंट्रीज़ के नाम लेने शुरू कर दिए, उनके जो भी उनके एम्बेसडर्स हैं या उनके ऑफिसेज हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन देने भी शुरू कर दिए कि आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आके वीज़ा पॉलिसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वी विल नॉट अलाउ दैट। तो यानी नेक्स्ट कंटेंडर बनने में अब रोमानिया पूरे हाथ पैर लगा रहा है। रोमानिया ने देखा है कि फर्दर एक्सपेंशन ऑफ शेंगेन एरिया इज़ वेरी मच पॉसिबल। शेंगेन एक्चुअल में चाहता भी था कि रोमानिया और बुल्गेरिया को वो अपने साथ इन्वॉल्व करे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें शेंगेन एरिया में देखी जाती हैं, उन सिक्योरिटी उसमें सबसे प्राइम फैक्टर तो है ही, साथ में कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये रोमानिया और बुल्गेरिया का यूरोपियन कल्चर ही है। वेयर एज़ अगर आप देखोगे थोड़ा सा इधर जाओगे तो यूक्रेन, बेलारूस, इनमें थोड़ा सा रशियन कल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मोल्डोवा, ये थोड़े से रशिया कल्चर इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बुल्गेरिया और रोमानिया में थोड़ा सा यूरोपियन कल्चर का रिच इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। रोमानिया जो काउंट ड्रैकुला है वो कहाँ का था, रोमानिया का ही तो था, ड्रैकुला मूवीज़ भी सुनी होंगी आपने, वो भूत भूत तो बाद में उसको बना दिया लोगों ने, बट एक्चुअल में तो वो एक किंग होता था ना, बहुत ही रुथलेस किंग होता था,
तो काउंट ड्रैकुलर कहाँ का था? रोमेनिया का था। तो रोमेनिया की जो हिस्ट्री है वो प्योर रिच यूरोपियन हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हैं रोमेनिया को लेके, बट वो मजबूर हैं क्योंकि आपका बॉर्डर जो है वो इतना लूज है, वी कैन नॉट अलाउ यू टू कम इन टू आर ग्रुप। तो रोमेनिया उसके खिलाफ एक्टिव हो गया है और अब उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर रहा है कि इलीगल इमिग्रेशन को मैं रोक के दिखाऊंगा। अगर रोमेनिया इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि 2 साल से 3 साल के अंदर ये शेंगेन में एंटर कर जाएगा। सिमिलरली बुल्गेरिया, बुल्गेरिया यूजुअली थोड़ा सा सॉफ्ट देश है, वो बहुत एक्साइटेड नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ शेंगेन एरिया, बट हाँ वहाँ पे गवर्नमेंट शेंगेन एरिया का इसलिए पार्ट बनना चाहते हैं क्योंकि जो भी गवर्नमेंट शेंगेन एरिया में बुल्गेरिया को एंटर करा देगी वो पॉपुलर हो जाएगी और वो बार बार जीतती रहेगी, राइट। तो यहाँ पर ये एक कंसर्न है वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जनरल पब्लिक की माने तो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। और एक एग्रीगेरियन टाइप ऑफ इकोनॉमी है बुल्गेरिया की, दे आर नॉट वेरी, अगर आप कहें कि टेक्निकल है या मैकेनिकल है, बहुत इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, थोड़े से शांति प्रिय लोग वहाँ पे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं रखते कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, बहुत आपको वहाँ पे पागलपन नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट कंटेंडर रोमेनिया है, बट अंडरडॉग समझने की हम गलती बुल्गेरिया को भी नहीं करेंगे। कोई एकदम से अच्छा लीडर आया, अच्छी गवर्नमेंट आई, रातों रात तक पलट जाए तो अलग बात है। ये दो देश अगर शेंगेन का हिस्सा बन जाते हैं तो शेंगेन वीज़ा लेने के ऑप्शन जो पहले 26 थे अब वो 27 हो गए हैं, 27 के बाद फिर 29 हो जाएंगे, और भी अच्छा ही है, राइट। तो रोमेनिया और बुल्गेरिया को लेके तो यही अपडेट है, तो इसके लिए 2 से 3 साल का हमें लगता है कि वेट करना पड़ेगा टिल फर्दर एक्सपेंशन हैपन्स। और अगर इन द मिडल कोई ऐसा एकदम से कोई रिफॉर्म आता है और एकदम से एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बनती है तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। तो शेंगेन में तो आप इन 27 देशों में चूज़ करें, 27वां जो आपका क्रोएशिया देश है ये 1 जनवरी से ओपन हो जाएगा, आप इसको ऐड करें। और इसके लिए भी 1 जनवरी के बाद हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें क्रोएशिया की वीज़ा फाइल बनानी है। अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं कन्फर्म कर सकता बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, अभी तो सिर्फ धारणाएँ लगाई जा रही हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एक बार आ जाएँ तो उससे सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाएगी कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।